वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है गीत की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की खस्ता कचौड़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप मूंगफली को ड्राई रोस्ट करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, मूंगफली अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने का छोड़ के मूंगफली का छिलका हटा दिया है। अब हम इसे कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत महीन नहीं है, ऐसे मोटा सा ही हमको तैयार करना है पाउडर। अब हम लेंगे 3 कप मैदा। तीन कप मैदे में 1/3 कप रिफाइंड डाल देंगे। आधा टीस्पून मंगरेल लेंगे, उसको हाथों से ऐसे रगड़ के डाल देंगे। आधा टीस्पून अजवाइन, इसे भी हम हाथों से रगड़ के डाल देंगे। साथ में इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब हम इसे अच्छे से रगड़ते हुए मोयन दे लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू बनने लगा है, इसका मतलब है मोयन अच्छे से हुआ है। अब हम इसमें 1 कप चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में इसमें डालेंगे मूंगफली का जो मोटा पिसा हुआ पाउडर। साथ में डालेंगे 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यानी 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कड़ा सा आटा सान लेंगे। आटा हमारा रेडी हो गया है। अब हम गैस पे रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें बड़ी बड़ी बॉल्स निकालेंगे और उसको गोल बना लेंगे, और थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अच्छे से इसको बेल लेंगे। इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, मोटा बेलना है, और बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग इतनी मोटाई का है, बहुत पतला नहीं है ये, इसे हमने थोड़ा मोटा ही रखा है। अब हम इसे किसी ग्लास या कटोरी की मदद से एक शेप में काट लेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम अपनी साड़ी कचौड़ियों को बना लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपनी कचौड़ियों को डाल देंगे। अब हम इसको धीमी धीमी आंच पे सुनहरा होने तक तल लेंगे। एक साइड से ये अच्छे से पक गया है फ्रेंड्स, अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्रेंड्स, अब ये दोनों तरफ से खूब अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, तैयार है हमारी गर्मा गर्म खस्ता मूंगफली की कचौड़ी। सर्व करते समय अब इसमें हम जरा सा चाट मसाला छिड़क देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और ये रही फ्रेंड्स हमारी खस्ता कुरकुरी मूंगफली की कचौड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी खस्ता है, ये देखिए, इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रही है ना टेस्टी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।